ये खा लो। खाओ वरना तुम्हारे चेहरे की ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को सूरत ना दिखा सकोगी। आखिर तुम चाहती क्या हो, बोलो क्या चाहती हो? फिनेरी जादे को बेदाग और बेऐब समझ रहे थे। बिल्कुल, ये कैसे तहरीर कर दिया उन्होंने? खास कैफियत में तहरीर किया होगा। आप तो जानती हैं कि इंसान बुलंद मुकाम पर पहुंचता है तो उसका तकब्बुर भी बहुत बढ़ जाता है। आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे सोकोलू। इस मसले पर तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। आपकी जरा नवाजी है मलिका। फिनेरी साहब के साथ आपकी मुलाकात का बंदोबस्त करूं, क्या ये चाहती हैं आप? बिल्कुल, उन्हें औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। मजीद कितने दिन मुझे यहां रखोगे? तुमसे बात कर रही हूं, जवाब दो मुझे। खामोश हो जाओ खातून। तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है इस तरह? तुम बुजदिल इंसान हो। अगर तुम में जरा से भी हिम्मत होती तो खुद को इस तरह नहीं छुपाते। आगा कासिद आए हैं। आने दो। अल्लाह आपको खुशी अता करे मुफ्ती साहब, मेरी गुजारिश पर आप तशरीफ ले आए। मेरे लिए एजाज है मलिका, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप सबकदोश हो जाएं मेरे लिए। इसका क्या मतलब है मलिका? ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कोई मजाक नहीं कर रही आपसे मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ यही एक चीज चाहती हूँ, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। मोहर आप ही की है ना? बताइए मुझे, ऐसे कई औराक है मेरे पास, अब क्या हिकमत थी आखिर उस अहम तरीन मनसब पर मामूर शख्सियत को आपने किस तरह बरतरफ कर दिया? ये कैसे हो सकता है? अगर ये सब एक काजी या हाकिम करता तो उसे फौरन बरतरफ कर दिया जाता, क्योंकि ये वाज़ह ज्यादती है। लेकिन आपको बरतरफ नहीं किया जा सकता। अगर ये वाकया सबको मालूम हो गया तो ना आपका वकार सलामत रहेगा और ना आपका एहतराम बाकी रहेगा।
मेरा ख्याल है आप ये सब नहीं चाहेंगे। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? ऐसा हरगिज नहीं है मुफ्ती साहब, मैं आप पर नवाजिश कर रही हूँ। आपको अपना वकार सलामत रखने का मौका दे रही हूँ। फैसला आपका है। यहाँ क्या हो रहा है? खैर तो है? कौन हो तुम? कैसे आए हो यहाँ? साथ वाले गांव जा रहा था, उस तरफ दरिया के पास घोड़ा सवार थे, मैं उनसे डर गया था, उनसे फरार होकर मैं यहाँ तक आ गया हूँ। वैसे आप लोग कौन हैं? जाओ देखो कौन है वो घुड़सवार। चलो। शेख अलिस्लाम मोहतरम, खुश आमदीद। मैं खुशी से नहीं आया हूँ, रूसी साहिरा ने मुझे खुली धमकी दी है, अहम मकामात पर मेरे तैनात करदा लोगों का पता चला लिया है, और अगर मैंने सबूतदोषी नहीं ली तो फिर सबूत पेश कर देगी आका के सामने। हुरम सुल्तान ने चाहर सिंह से हमले शुरू कर दिए हैं, उसकी बात मानने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हम अपना हल्का असर खोने वाले हैं, अगर मैं इस मकाम से सबूतदोष हो गया तो हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। बहुत अरसे से हम पर हमले जारी हैं, ऐसे ही जारी रहा तो हम जाहिर हो जाएंगे, जबकि हमने कसम खाई है इस अजीम सल्तनत का खून चूसने वाले रुस्तम पाशा जैसे गद्दारों को खत्म करने से पहले हम जाहिर नहीं होंगे। वाहिद उम्मीद सिर्फ शहजाद मुस्तफा है, एक दिन वो तख्त नशीन होंगे और इंशाअल्लाह सल्तनत पर एक मुसलमान का मुसलमान पिसर हुक्मरानी करेगा इंशाअल्लाह। इस जिहाद के लिए मकाम की आशी है, हमारी जान भी फिदा है। वालिदा को खबर भिजवा दी है, वो परेशान होंगी। भेज दी है शहजादे, हमारा सबसे बाएतमाद कासिद यहाँ है। कौन हो तुम मुझे बताओ, तुमने कैसे मुकाबला किया देख चुका हूं, ये जाहिर है कि तुम कासिद नहीं। खिजर खैरुद्दीन पाशा का हुक्म था शहजादे, आपकी हिफाजत के लिए खसूसी तौर पे भेजा है हमें। अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताई ये बात मुझे? शहजादे माजरत, ये खुफिया रखने में फायदा था, जितने कम लोगों को मालूम होगा आप उतने ज्यादा महफूज रहेंगे। पाशा के मुहाफिज बहरी तरबियत याफ्ता है, जमीन पर तो वो सांस भी नहीं ले सकते। हम खुफिया सिपाही हैं, पाशा की कई मरतबा जमीन से मदद कर चुके हैं, वो हमें अच्छी तरह जानते हैं। कुछ भी हो जाए मेरे तरफ जितने भी लोग हैं सबके बारे में जानना चाहता हूँ, अगर मुझसे पोशीदा कोई बात रह गई है तो मुझे अभी बता दो। शहजादे हरगिज नहीं, इसके अलावा कुछ भी पोशीदा नहीं।
मेरे निसा खातून, आप आ सकते हैं शहजादे। तुम ठीक हो? कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हें? ठीक हूं। तुम अमस्या में नहीं रहोगी अब। पाए तख्त में अपने बाबा के पास रहना मुनासिब होगा। मुनासिब तो होगा, लेकिन आपसे दूर होकर। अगर तुम्हें जरा भी नुकसान पहुंच जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उस रोज मैंने तुम्हें रंजीदा कर दिया था, बुरा किया था। मेरी वजह से तुम महल से निकल आई। उस दिन नहीं आती तो किसी और दिन आती, इसीलिए मैंने अपनी हिफाजत को यकसा नजरअंदाज कर दिया शहजादे। हालांकि तुम्हें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सुकून से रह रही थी तुम वहां, बिल्कुल आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। जब चाहती थी मुझसे मिल लेती थी आकर। मैंने बरसों तक आपको दूर से चाहा है और अब आइंदा भी ऐसा ही होगा। मैंने जिसे भी चाहा है उसे खो दिया, नुकसान पहुंचाया, अपने आप को भी और उनको भी। तुमने देख लिया क्या हुआ? मैं तुम्हें हरगिज भी खोना नहीं चाहता। मुझे आप वैसे भी खो रहे हैं। खिलाफ तवक्का कैसे आ गए फिनहरी साहब? खैर तो है, क्या सबब है इस मुलाकात का? मेरे आका, जो कुछ भी आपने मुझसे फरमाया था मैंने उस पर काफी गौर किया। मैं इस मकाम पर आपकी आरजू के मुताबिक आया था और आपकी आरजू के मुताबिक ही जाना चाहता हूं। उमूर सल्तनत में अना को दखल नहीं देना चाहिए। आप अपना फर्ज कामयाबी से जब तक अदा कर सकते हैं ये मकाम आपका है। मरहूम पीरी मेहमद पाशा के मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं, उनका मकाम जन्नत हो। आप जानते हैं वो आखिरी मोतबर वजीर आजम थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, इख्तदार तुम्हें तर्क कर दे इसका इंतजार कभी मत करना, तुम खुद ही इख्तदार को तर्क कर देना। इसका क्या मतलब है? सुबुकदोशी चाहते हैं क्या आप? मुनासिब समझे तो बिल्कुल। अल्लाह एक दिन सबको इस इख्तदार को तर्क करने का हौसला और हिम्मत अता करे। मुनासिब है सुबह पूर्व कर दिया जा सके। अमीरुल बहर पाशा की जानिब से कोई खबर नहीं आई क्या? हकीम तहकीक कर रहे हैं आका, अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका। पाशा आराम फरमा रहे हैं। रुस्तम पाशा को खबर भेजो फौरन यहां वापस आए। इसके अलावा फिनहरी साहब से खाली होने वाले मकाम पर फौरन रुमैली हाकिम अबू सऊद साहब को मुकर्रर कर रहा हूं। सुलेमान, आप जल्दी आ गए, शायद किसी बात पर बरहम हुए हैं। मुफ्ती साहब सुबुकदोशी चाहते थे, मैंने कबूल कर लिया, उनकी जगह अबू सऊद साहब को तैनात कर दिया है। शुक्र है खुदा का, उस मकाम के वही सबसे ज्यादा हकदार हैं।
मैं दरअसल अमीर उल बहर पाशा के लिए फिक्रमंद हूँ। उनकी हालत ठीक नहीं है सुना है। मैं भी फिक्रमंद हूँ। हमें उनसे मुलाकात करनी चाहिए सुलेमान। आपसे मिलकर उन्हें कुवत मिलेगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे शहजादे। आपका मुझ पर जिंदगी भर का कर्ज रहेगा, लेकिन काश के आप यहां ना आए होते। मेहरुन्निसा खातून मेरी अमानत में थी अमीर उल बहर पाशा। मैं इन्हें खुद लेकर यहां ना आता तो मुझे इतना नाम नहीं मिलता। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तारीफ के काबिल हो सुकोलू, तुमने अच्छा काम किया। मलिका, शहजादे मुस्तफा किसी को खबर दिए बगैर पाए तक तशरीफ लाए हैं। शहजादे मुस्तफा कभी वापस न आने वाले रास्ते पर गामसन है और आका गहरे शक में मुब्तला होकर महल वापस आएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आका के दिल में जो भी शक व शुभहात हैं उन्हें हकीकत का रूप दे सकूं। मलिका, अपने बाल इसमें डाल दीजिए। सब क्या है खातून, कैसी हैं ये अलामतें? ये मैं नहीं, आपको मुझे बताना होगा मलिका। क्या नजर आ रहा है आपको? इतना काफी है, उठाओ ये सब कुछ। घबराइए नहीं मलिका, वरना आपका ये डर एक दिन आपके अंदर समा जाएगा। लुकमान आगा। मेरे आका। मुस्तफा को बुलाओ, कहो फौरन यहाँ आए। आपका जो हुक्म मेरे आका। मलिका, क्या देखा आपने? एक शहजादा पैदा होगा, वो शहजादा तख्त और तमाम तुर्क सल्तनत का मालिक बन जाएगा मलिका। तुर्क खानदान आलिया उसी शहजादे से जारी रहेगा। खामोश हो जा, चली जाओ यहाँ से और दोबारा नजर ना आना।
दुआ मांग रही हो? शहजादी बैठिए। माजरत, मुझे एहसास नहीं हुआ आपकी आमद का। मुझे तुम्हारी सेहत की फिक्र थी। तुम आफियत से हो ना? आपके जेरे साया आफियत से हूँ शहजादी। दुआ कर रही हूँ कि ये मरहला जल्द अज जल्द तय हो जाए। मैंने सुना है कि हुरम फाल देखने वालियों और साहिराओं से मदद की उम्मीद कर रही है। बहुत खूब। उससे बड़ी साहिरा हो सकती है कोई? साहिरा? वरना इतने बरसों तक क्या वो सलामत रह सकती थी? अपने शहर ही की बदौलत तो हुरम बन पाई है वो। घबराओ नहीं खातून। हुरम भी क्या चीज है, नाम सुनते ही लोगों की रूह तक कांप उठती है। तबीबा के पास जाओ, सचकी में कितना वक्त रह गया है इसकी मालूमात लो। मलिका, आका ने शहजादे मुस्तफा को अपने हुजूर तलब किया है। उस फाल वाली की बातों पर एतमाद नहीं कीजिएगा मलिका। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। कोई भी चीज हतमी नहीं होती। या तो हमें सब कुछ कबूल करना होगा या फिर इस शक को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। आका को मेरी आमद की खबर हो जाकर। शहजादे जब हर चीज की वजाहत कर देंगे तो आका उन्हें जरूर समझ जाएंगे। जो कुछ भी समझे वो, एक शहजादे का रियासत छोड़ना और मालूमात दिए बगैर पायतख्त में आना कोई खुश आइन बात नहीं है मेरुनिसा। मेरी खता थी, अगर आप लोगों की बात मान लेती तो कुछ नहीं होता। अगर गम के तूफान का भी सामना करना हो तो नामीद ना होना मेरी दुख्तर। ये क़यामत गुजर ही जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम जैसे तजुर्बेकार और ज़हीन शहजादे का ऐसी गलती करना हरगिज मुमकिन नहीं है मुस्तफा। मकसद क्या था? अमीर उल बहर पाशा की मिजाज पुरसी के लिए तुम नहीं आए थे ये आश्कार है। मैं उनके लिए नहीं आया था आका। दरअसल मुझे उनकी बीमारी की खबर भी नहीं थी। मजबूर नहीं होता तो ना ही अपनी रियासत छोड़ता और ना ही पाया तख्त आता। कैसी मजबूरी थी वो? अमीर बहर पाशा की बेटी मेरुन्निसा खातून कुछ अरसे से मेरी रियासत में कयाम पजीर थी। अपनी हवेली जाते हुए उन्हें अगवा कर लिया गया। खबर मिलते ही उनकी बाजियाबी की कोशिश की। आखिर क्या कर रही थी वो खातून तुम्हारी रियासत में? मेहरुन्निसा खातून दरअसल मेरी मुसाहिब थी। वो जजायर में काफी अरसा तजर्बा हासिल करती रही। मैंने रियासत के एक खास मसले के हवाले से उसकी मदद लेनी चाहिए थी। उसे किसने अगवा किया था? रहजनों ने रास्ता रोका था। पाशा की बेटी है जानकर उसे कैद कर लिया था। जबरदस्ती तावान मांगते जाहिर था। सपांजा तक उनका ताकुब किया। खैर मैं उन रहजनों को नाकाम बनाकर खातून को सही सलामत बचाने में कामयाब हो गया। इसके बाद अमीर उल बहर पाशा के पास लेकर चले गए, यही ना? पायतख के इतने करीब पहुंचकर मैं उसे खुद अपने हाथों से उनके हवाले करना चाहता था आका, वरना ऐसा इत्तफाक पेश नहीं आता। मैं आपके हुजूर आकर सूरत हाल की वजाहत करने वाला था, लेकिन आप वहां तशरीफ ले आए। जहांगीर। मुस्तफा भाई, तजी अली से मुझे सब कुछ मालूम हो गया। आपकी आमद से मुझे बेहद खुशी हुई भाई। अंदर क्या पेश आया? क्या गुफ्तगू रही आका के साथ? उन्होंने क्या फैसला किया? मुझे मालूम नहीं जहांगीर। हादसे के मुतालिक तफसील से वजाहत कर दी मैंने। फैसला अब आका ही करेंगे। मेरे कमरे में चलिए, जो हुआ मैं शुरू से जानना चाहता हूँ।
अगर ऐसा ही है तो मेरे साथ चलो, मेहरमा के महल में रहने की इजाजत। शहजादे मोहतरम मेहरमा शहजादी के महल में कयाम करेंगे और वहां रहकर फैसले का इंतजार करेंगे। ये खामोशी कोई खैरियत की अलामत नहीं है अब्दुल्ला, शहजादे को तन्हा ना छोड़ना। कुएं में ऐसा भारी पत्थर फेंका है कि उसे निकालना आसान नहीं। सबकदोशी चाही थी आपने, शहजादे पर खुफिया मुलाकात के सबब इल्जाम आयद किया जाएगा। और यही सब काफी नहीं, मुफ्ती साहब भी अपने मनसब से दस्तबरदार हो गए। तुम ये क्या कह रहे हो अली आगा, कौन ऐसी जुरत कर सकता है? काफी अरसे से उनका ताकुब किया जा रहा था, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा कि वो अपनी सबकदोशी मांगने पर मजबूर हो गए। उनकी जगह जो भी आएगा बखूबी जानते हैं। अबू सऊद साहब। जी हाँ वही, आप तो जानते हैं, काफी अरसे से रुस्तम पाशा से उनके गहरे ताल्लुकात हैं। बहरी कमान खोने के बाद हमने ये मकाम भी खो दिया है, अल्लाह हमारी आकबत बखैर करे। बहरी कमान अभी खोई नहीं अली आगा, और अभी पाशा भी सलामत हैं और हमारे साथ हैं। और वैसे आका ने भी पाशा के मामले पर कोई फैसला नहीं दिया है अली आगा। ऐसे हादसे के बाद मुझे इस मकाम पर फायज रखेंगे, क्या तुम ये समझ रहे हो अब्दुल्ला? वो यकीनन सबकदोशी कबूल करेंगे। ये लोग मुझे भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं पाशा मोहतरम, मुझे रास्ता सुझाइए। तुम्हें कोई रास्ता दिखाना मुश्किल है इस वक्त, रोशनी की तरफ जाने के लिए रास्ता तलाश कर रहा हूं, लेकिन तमाम रास्ते तारीकी में डूबे हुए हैं। इस सूरत हाल से जख्म खाए बगैर निकलना नामुमकिन है। दिलशा खातून, खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? भूख नहीं है मुझे। नूरबानो नामी बेनेडिक्ट चुड़ैल का सर कटना ही चाहिए था, लेकिन अब शहजादी बनेगी तुम्हारी वजह से। तुम अदब से बात करो खातून, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम शहजादे की कनीज को चुड़ैल कहो? झूठ नहीं कह रही, शहजादे को धोखा देने के लिए उसने सब कुछ किया। माशाल्लाह से तुम भी हर तरह से उसका साथ दे रही हो, शहजादे के पास भेजने में, महल से बाहर निकालने में और अलग हमाम बनवाने में। जान फिदा खातून, कोई मसला है क्या? कुछ नहीं है। चलो खातून फौरन अपने कमरे में जाओ। लड़कियों खाना खाओ खामोशी से। इसे मेरे उम्मीद से होने का नहीं बताया क्या? वो हर किसी को मालूम हो चुका है, फिक्र मत करो। फिर मुबारकबाद क्यों पेश नहीं की जा रही मुझे? आखिर प्रिंस की माँ बनने वाली हूँ, शहजादी बनने वाली हूँ, मगर कोई भी अहमियत नहीं दे रहा मुझे। हमारे यहाँ प्रिंस नहीं शहजादा कहा जाता है। खवातीन के दिल में जगह बनाओ, खुद को पसंद करवाना चाहती हूँ तो उनके साथ वक्त गुजारो। तुम किसी के साथ भी बात नहीं करती हो। अच्छा छोड़ो तुम इस बात को, हुरम सुल्तान को मक्तूब लिखना होगा, उन्हें यहाँ की सूरत हाल से आगाह करना है। सारे हाँ, फरमाइए मलिका। ये लो, इसे शहजादे तक पहुंचा दो। आका की इजाजत के बगैर आगे मुझे लगता है वो इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह सूरत हाल को समझ जाएंगे और आपको सजा नहीं देंगे। जरूरत पेश आई तो मैं भी बात करूंगा। छोड़े इस बात को, अगर हम यकजा हुए ही हैं तो हमें दिल खुश करने वाली बातें करनी चाहिए। जहांगीर अक्सर तन्हाई की शिकायत करता है, सबके अचानक जाने से कि तन्हा रह गया है, मगर हो जहां इसे मसरूफ रखने की कोशिश करती है। उन्होंने मुझे साथ सिखाने का वादा किया है। मेरी शहजादे। शहजादी, खुशामदीद। खुशामदीद मेरे दिलेर पिसर। हादसे के बारे में देर से मालूम हुआ, कैसे हो तुम? आपके सामने हूँ, ठीक हूँ। हुरजा।
हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। जहांगीर को साज बजाना सिखाओगी तुम? शहजादे इंतहाई बासलाहियत है, वो बहुत बेहतर बजा सकते हैं मुझसे। मुबालिक आराई कर रही हो, अभी तो सास को हाथ भी नहीं लगाया। आपको देखकर बेहद मसर्रत हुई। मैं भी मसरूर हूँ। शहजादी आप खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए। इतने बड़े महल में तुम अकेली रह रही हो ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है, लेकिन शुक्र है कि तुम्हारे बिरादर तुम्हारे साथ हैं। आओ। आपने मुझे याद फरमाया आका। करीब आओ मेहमत आका। महल के लिए तुम्हारी खिदमत जानता हूं, खास तौर पर जंग के दौरान लश्कर के साथ तुम्हारे कारनामे मुझे अब तक याद है। इस सबब की बिना पर तुम्हें सिपे सालार तैनात कर रहा हूं। हमेशा आपके एहसानात पर शुक्रगुजार रहूंगा आका। अगर अनजाने में कोई खता सरजद हुई हो तो तुमसे कोई कसूर सरजद नहीं हुआ, लेकिन तुमसे एक तफ्तीश करवाना चाहता हूं। कुतुब खाने में जाने की इजाजत होगी तुम्हें? एंदरून से निकाले जाने वाले यनीचर आगा के मुतालिक मालूमात जमा करो। कहां पैदा हुआ, कहां तरबियत हुई, किस वक्त एंदरून में दाखिल हुआ, मुझे उसकी तफसीली मालूमात दरकार है। जैसा आपका हुक्म मेरे आका, जल्द अज जल्द ये मुहैया कर दूंगा। लेकिन ये तफ्तीश खुफिया रहेगी, किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। सोकलू आगा, आका ने क्या फरमाया है? जो तुम्हारा काम नहीं उसमें दखल मत दो हरगिज। हुरम सुल्तान सवाल करेंगी, इसीलिए पूछ रहा हूं। अगर उन्हें बताने की कोई बात होगी तो उन्हें मैं खुद मालूमात फराहम कर दूंगा। आका मुस्तफा के मुतालिक कोई अहम फैसला करेंगे ये सोचकर मैं परेशान हूं। तुम्हें तो पता होगा मुस्तफा मासूम है। आका सबसे बेहतर जानते हैं शहजादी, हम क्या कह सकते हैं। मुस्तफा की जगह अगर बेयाजत सूरत हाल से दो चार होता तो क्या फिर भी तुम इतनी मुतमईन होती? मुस्तफा बिरादर मेरे लिए आपकी सोच से ज्यादा बेशकीमत है। उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने ये नहीं चाहूंगी कभी, लेकिन उनके अतराफ की औरतें मुस्तफा के मुतालिक कोई अहम फैसला करेंगे ये सोचकर मैं परेशान हूं। तुम्हें तो पता होगा मुस्तफा मासूम है। आका सबसे बेहतर जानते हैं शहजादी, हम क्या कह सकते हैं। मुस्तफा की जगह अगर बेयाजत सूरत हाल से दो चार होता तो क्या फिर भी तुम इतनी मुतमईन होती? मुस्तफा बिरादर मेरे लिए आपकी सोच से ज्यादा बेशकीमत है। उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने ये नहीं चाहूंगी कभी, लेकिन उनके अतराफ की औरतों के मुतालिक मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। उन औरतों में से शायद मैं भी एक हूं तुम्हारे लिए। मेरा मतलब आप नहीं, क्योंकि आप मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन सब जैसे रवैया रखने पर आप भी बेहद मजबूर हैं। इसका क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी वालिदा के दुश्मन थे उन सब का अंजाम आपके सामने है, और इसी वजह से आप दोस्त नहीं बन सकती। शायद दोस्त नहीं बन सकती, लेकिन दुश्मन भी नहीं मैं, वरना इतना अरसा यहां से दूर नहीं रहती। मेरी जिंदगी ऐश और आराम से गुजरी है। कौन कहां है, क्या कर रहा है, मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं ऐसी फरार हुई महल से कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहती थी। फरार होना आजादी थी मेरे लिए, इस तरह खुद को मैंने बचा लिया। नादिम है क्या आप? नहीं, बल्कि बेहद मसरूर हूं, क्योंकि सिर्फ एक ही रहबर है मेरी जिंदगी का, मेरा दिल। मेरे दिल ने जैसा चाहा मैंने वैसा ही किया, और अब भी वैसा ही कर रही हूँ। आज यहाँ हूँ मैं, कल कहाँ होंगी अल्लाह जानता है। बाहर आ गई है, अनकरीब आप रवाना हो जाएंगे।
कल सुबह किस पर क्या गुजरेगी नहीं मालूम। मैं दुआ मांगती रहती हूँ, दिन में 5 मरतबा दुआ ना मांगूं तो आराम से सो नहीं सकती मैं। या रब, बलाए ना गहा को इश्क में तब्दील कर दे और इस इश्क को मेरी जिंदगी का जुज बना दे। तुम अपनी जवानी की कदर करो मेहरमा, ऐसे बेमानी झगड़ों में उलझने के बजाय अपनी मोहब्बत तलाश करो, सच्ची मोहब्बत। यह आपके लिए शहजादे, हुरम सुल्तान ने भेजा है। मेरा तोहफा मुझे वापस लौटाया है। एक दिन आएगा जब तुम इस अकरब की तरह खुद को डंक मार मार कर अपने ही शहर से हलाक हो जाओगे, क्योंकि मैं एक आग की तरह तुम्हें चारों जानिब से घेर लूंगी और वो दिन अब दूर नहीं है। ये कैसी जरूरत है? तुम दुरुस्त कहते थे तशी अली, कुछ भी हो जाता मुझे आना नहीं चाहिए था। तुमने मुझे रोका भी था लेकिन मेरे जज्बात ने मुझे बहरा कर दिया था। मैंने तुम्हारे मशवरे को अहमियत नहीं दी। मेहर निसा को भी किसी सूरत में इस तरह छोड़ नहीं सकता था। शहजादे के लिए पायतख्त से आने वाले मकतूबात क्या यही है? जी हाँ लाला मोहतरम। शहजादे, ऐसा लगता है जैसे आपको गए हुए चंद महीने नहीं बल्कि कई बरस बीत गए हैं। आपकी जानिब से कोई खबर नहीं आई जिसकी वजह से मैं अफसरदा हूँ। मैं अपने दिल में मौसम दरियाए मोहब्बत में डूबने से डरती हूँ। हुर जहां, शहजादे क्या खबर है लाला? सब खबरें हमेशा जैसी हैं। आपने बाजार चलने का हुक्म फरमाया था। बाजार नहीं जा रहा, मेरा ख्याल था खुद को मसरूफ कर लूंगा लेकिन मुमकिन नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है लाला, सलीम के मामलात के मुतालिक बाबा को बताना शर्त है। मैं समझ रहा था ये बाब बंद हो चुका है। मुझसे हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं जा रहा लाला, सलीम का हकीकी चेहरा सबको दिखाना चाहिए। शहजादे सलीम को आप जानते हैं, ऐसी बात ना करें, वो आपके खिलाफ महाज बना लेंगे, आप पर भी इल्जाम आयद किया जाएगा। तैयार हूं मैं, इसके सिवा और क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा कुताया से निकाल देंगे मुझे, निकाल दें क्या फर्क पड़ता है। मैं उसकी धमकी से मरूब नहीं होगा लाला, और सलीम से तो किसी सूरत भी नहीं। क्या हुआ, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है तुम्हारा? कहीं हुरम जबरदस्ती तुम्हारा निकाह तो नहीं करवा रही? जी क्या कहा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम उदास नजर आ रही हो। बियाजत की जानिब से मकतूब का जवाब नहीं आया अब तक शायद। आप तो हर बात की मालूमात रखती हैं। इधर उधर जहाँ देखो अफसरदा औरतें ही नजर आती। नाजनीन अपने तिफी की पैदाइश से कभी ही हुरम के खौफ से दम तोड़ेगी। रही तुम, बियाजत के इश्क में खुद को हलकान किए जा रही, और रही मैं तो हुरम की वजह से मुस्तफा पर कुर्बान हो जाऊंगी। मजार में दफन हो जाऊं तो खूब, कम से कम सुकून तुम्हें असर होगा। नहीं शहजादी, ऐसी बात ना कहें। हर चीज की वजाहत कर दी है लाला, ब्रादर के सब कारनामे तहरीर कर दिए हैं, अपने सफर के मुतालिक भी नहीं छुपाया। आका उससे सुनने से बेहतर है कि मुझसे सुन ले, जो भी होगा देख लूंगा। आप हक पर हैं शहजादे, बल्कि ऐसा करना ही मुनासिब तरीन है। किसी पर गिरफ्तार कासिद को दे, जल्द अज जल्द मकतूब पहुंचा दे। जैसे आपका हुक्म।
आओ। मेरे आका मेहमत आगा आए हैं। आने दो। मेरे आका सोकलू इतनी जल्दी कैसे आ गए? तहकीकात मुकम्मल कर ली क्या? वो जारी है मेरे आका, लेकिन जो अहम काम था मुकम्मल हो गया। अगर आप चाहें तो तफसील पेश कर सकता हूं। आपकी हिफाजत पर मामूर तमाम लश्करों पर मुश्तमिल पाशा लश्कर के तमाम पाशाओं और यानी चरागाओं के मुतालिक सब तफसील इस दस्तावेज में मौजूद है। आला। इसके अलावा मेरे आका महल की हिफाजत पर मामूर आगाओं की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। उन सब के इसमें गिरामी, उनका अहवाल, कहां से ताल्लुक है, सब तफसील तहरीर कर दी है। इनमें क्या तुम भी शामिल हो? मैं अपने मनसब से मुतमईन हूं मेरे आका। महल में आपके करीब होना मेरे लिए बाइस शर्फ है। अगर कोई और हुक्म नहीं तो तुम जा सकते हो। मुस्तफा मजीद कितना अर्सा कयाम करेगा महल में? वो मेरे बिरादर हैं, जब तक चाहे रह सकते हैं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तुम्हारा परेशान होना मुमकिन नहीं वैसे, क्योंकि तुम मेरी आंखों से नहीं देख रही हो। उसकी मासूमियत एक ढोंग है। तुम समझती हो कि सारा कसूर उसके अतराफ की खवातीन का है, तो गलत फहमी है तुम्हारी। मुस्तफा की इजाजत के बगैर कोई भी मुझ पर हमला करने की जरूरत तक नहीं कर सकता कभी। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो बिरादर पर होने वाले हमले का जिम्मेदार कौन था फिर? इसका क्या मतलब? कोई भी मासूम नहीं है वालिदा। जिस तरह आप अपने आप को हक बजाने समझती हैं, वो भी ऐसा ही समझते हैं। तुम गलत फहमी का शिकार हो। मसला मेरा नहीं है। तुम्हारा ब्रादर पाशाओं और यनीचरों के साथ खुफिया मुलाकातें करके आका को तख्त से मासूल करने की साजिश कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। वो अमीर और बहर पाशा की दुख उसके दरोग पर तुमने यकीन कर लिया? होश के नाखून लो तुम महरमा। वो तुम्हारे बाबा के मुकाबले एक सरकश की तरह खड़ा है। मुस्तफा ने बहरी बेड़े को यनीचरों के साथ मिला लिया है, शोरिश की तैयारी में मसरूफ है, लेकिन मैं उसकी राह में हायल हो गई। उसे आका के सामने बेनकाब कर दिया मैंने। काफी अरसा हुआ आपसे मुलाकात नहीं हुई मदरक जी। मैं कुतुबीनी में गर्क था शहजादे, तसनीफ व तालीफ में मसरूफ रहता हूँ। महल अब ज्यादा आना नहीं होता। इतना फासला मत रखी नसू अफंदी। आका के अतराफ आप जैसे बेशकीमत जानिसारों की मौजूदगी नागुजीर है। रुस्तम पाशा की मौजूदगी में ऐसा कहना जरा मुश्किल है। वो अपना वकार खो चुके हैं, आप जानते हैं। उनकी बुजदूरी के सबब उन्हें पाया तख्त से दूर कर दिया गया। जाते हुए भी अपना काम कर गया वो। आका ने आपके हवाले से फैसला नहीं किया ना? मैं काफी रोज से मुंतजर हूं। माजरत, लेकिन आप किस तरह यह खता कर सकते हैं? दुश्मनों को भी मौका फराहम किया आपने। एक तरफ अमीरुल बहर पाशा, दूसरी तरफ अली आगा, और अब आप? आका पूरी तरह हक बजानेब हैं। पूरा मंजर बिल्कुल वाजे है। माजरा चाहता हूं, लेकिन यह शोरिश की तैयारी है। दरहकीकत यह शोरिश है। अरसों से दादा का खून चूसने वाली हुरम सुल्तान और रुस्तम पाशा के खिलाफ एक शोरिश है। शहजादे, कोई आ रहा है। शहजादे मोहतरम, आका ने अपने पास आपको फौरन तलब फरमाया है। अजीम आका से जाकर कहो कि हाजिर होता हूं मैं अभी। लेकिन आपको हमारे ही साथ चलना होगा शहजादे। सिर्फ एक खातून की वजह से तुम सब कैसे हाल को पहुंच गए? इस सब की क्या असल हकीकत है अब्दुल्ला? शहजादे की हमसे कोई बात पोशीदा है क्या खातून के मुतालिक? शहजादे की कोई बात पोशीदा नहीं, लेकिन खातून उनसे मोहब्बत करती हैं, ये आश्कार है। अगर ऐसा ही था तो उसे रोका क्यों नहीं? रोकना चाहा था, लेकिन खातून जिद्दी है, बात नहीं मानी मेरी। शहजादे से भी बात करना हमारे लिए नामुमकिन था। शहजादे को महल तलब किया गया है।
उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? दोस्तान सिपाहियों ने मुझे इजाजत नहीं दी, आका ने उन्हें अकेले तलब फरमाया। कुछ अरसे कबल पाशा लश्कर में अली आगा और रुस्तम पाशा के दरमियान एक हादसा वकूफ पजीर हुआ था। मालूमात मिली थी आका। अराकीन सल्तनत के दरमियान ऐसे हादसे की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती, इसी वजह से रुस्तम पाशा को दूर भेज दिया ताकि उसे अपनी खता का एहसास हो। अली आगा के मुतालिक अब तक मैं किसी फैसले तक नहीं पहुंच सका हूं। वो एक अच्छा सिपाही है, बहुत बासलाहियत और काबिल सरदार है, लेकिन उसे भी अपनी खता का अजाला करना होगा। ऐसे ही है ना? मैं समझा था यह मसला खत्म हो चुका है। रुस्तम पाशा मेरा वकील मुतलक है मुस्तफा, चाहे किसी किस्म के असबाब हों, लेकिन उसका एहतराम बहर सूरत नागुजीर है। उसका एहतराम ना करने का मतलब मेरी बेहुर्मती है। मेरा ख्याल है आका के अली आका के मुतालिक आपने फैसला कर लिया है। एक कतई फैसला किया है, तुम्हें भी इसी वजह से बुलवाया है मैंने मुस्तफा, मेरे हुक्म की तामील बजा लाने के लिए। वसंतरागा, खैरियत तो है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बोशा के साथ उस कमरे में नहीं रह सकूंगी, हर वक्त उसकी नजरों में खटकती हूँ मैं, सोते में मेरी जान न ले ले खौफ रहता है। इस कदर आसान नहीं, सर कलम हो जाएगा। मेरे खौफ की वजह मेरा होने वाला बच्चा है, अगर उसे कोई नुकसान पहुँच गया तो? दिलशा नहीं होगी तो कोई और होगा, तुम्हें हर वक्त मोहताज रहना होगा, और मशक्कत और तवील रास्ता है ये। खुद को साबित कदम रखो, डगमगाओ नहीं, बुलंद मकाम की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। विलादत में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं, बाप बनने के बाद शहजादे मुझसे हमेशा के लिए बन जाएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ महल में मुझे पसंद नहीं करता कोई भी, लेकिन अगर तुम्हारा साथ रहा तो मैं मुस्तहकम रह सकती हूँ। इत्मीनान रखो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। कमरे वाले मसले को इतनी अहमियत हरगिज ना दो, वक्त आने पर तुम महल के सबसे खूबसूरत कमरे की हकदार होगी। शहजादे, खबरें दुख भरी हैं तशी अली। आका अगर मुझसे मेरी जान मांग लेते तो मुझे इतना दुख ना होता। आओ। शहजादे, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं गजनफर, कहां थे? माई बाग में कुछ काम थे। ब्याजत की कोई खबर है क्या? अपनी रियासत पहुंच गया वो? कोई मालूमात नहीं शहजादे, लेकिन वो जरूर पहुंच गए होंगे। मुझे उस पर हरगिज भरोसा नहीं गजनफर, वो मुकदमे वाला मसला बाबा के सामने अफशा कर सकता है, हमें तैयार रहना होगा। असल बात यह है अली आका, यह महज एक बहाना है, आका मेरे जरिए तुम्हारा सर कलम करवाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप शहजादे मुस्तफा आका की नसीहत को जहनशीन करके सिपा से ताल्लुकात में फासला बरत देंगे, यानी चर्बी अपनी औकात जान लेंगे, वरना दूसरी सूरत में कोई सलामत नहीं बचेगा। शहजादे मुस्तफा जिंदाबाद, शहजादे मुस्तफा जिंदाबाद, आप हम सबके लिए जिंदाबाद।
शहजादे मोहतरम, लश्कर में खुश आमदीद, इज्जत अफजाई की आपने। आपको यहाँ देखना हमारे लिए अजीम एजाज है। मैं तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया अली आगा। जहांगीर, तुम्हें क्या हुआ है? बाबा, बाबा ने बिरादर मुस्तफा को अली आगा को महल में लाने का हुक्म दिया है। क्यों बुलाया उसे? लगता है आका ने कोई फैसला कर लिया है। उसने जो कुछ किया उसे उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं यहां से अली आगा। आका ने हुक्म सादर किया है। रुस्तम पाशा के साथ होने वाली तलखी के सबब तुम्हें सजा दी जाएगी। शहजादे मोहतरम, असल बात यह है अली आगा, ये महज एक बहाना है। आका मेरे जरिए तुम्हारा सर कलम करवाना चाहते हैं। शहजादे, इस अजीम सल्तनत और तुर्क खानदान आलिया का मुस्तकबिल है आप शहजादे। सल्तनत के अजीम मुस्तकबिल के सामने मेरी जान की क्या वक़त है? एक अली आगा मरेगा तो हजार और पैदा होंगे। मेरी जान आपकी राह पर, आपके नक्शे कदम पर फिदा है। अगर मुझे तलब किया है तो जरूर चलूंगा शहजादे। इफा-ए-अहद करोगे? बिल्कुल करूंगा शहजादे। आप इफा-ए-अहद करेंगे? हाँ करूंगा। मुस्तफा ब्रादर, क्या हुआ? अली आगा को महल में लाने का सुना है, कहाँ है वो? मुझे उम्मीद है कि आप शहजादे मुस्तफा आका की नसीहत को जहनशीन करके सिपा से ताल्लुकात में फासला बरतेंगे, यानी चर्बी अपनी औकात जान लेंगे, वरना दूसरी सूरत में कोई सलामत नहीं बचेगा। ये नीचे आका के इस अंदाज से गर्दन जदनी पर संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। किसमें जरूरत है कि सुल्तान सुलेमान के खिलाफ बगावत करे? अदब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। Thank you.
तैयारी मुकम्मल है क्या? जी मुकम्मल है शहजादे मोहतरम, जल्लाद आपके हुक्म का मुंतजर है। तलवार के सामने इस मैदान में बहुत से सरकलम होंगे बिना किसी सबब बिना जवाब। अल्लाह के हुक्म से हमारा कहरो गजब इस धार तलवार है दुश्मन के लिए। हम सब गुलाम हैं शहजादे मोहतरम मुस्तफा के लिए। मेरे जिस्म जान ज़हन और दिल ख्याल और गुमा सब कुछ दीन मोहम्मद पर फिदा है। हमारे रूहानी पेशवा आली मकाम पीर और मुर्शिद, हमारे सुल्तान शहंशाहों के शहंशाह, इन पर हर शे फिदा हो ऐ अल्लाह। रुस्तम पाशा का एहतराम न करने की वजह से उसका सर कलम किया कि आका के हुक्म पर मरने वाले गद्दार के लिए इस महल में आखिर कब से दुआ मांगी जाने लगी शहजादी? वो गद्दार हरगिज नहीं था हुरम। रुस्तम पाशा का एहतराम न करने की वजह से उसका सर कलम किया गया। अवाम यही ख्यालात रखते हैं। क्या आपके लिए यही काफी नहीं कि रुस्तम वजीर आजम है, इसके अलावा मेरे खाविंद भी? अगर इस तरह सोचा जाए तो हर किसी का सर कलम हो जाएगा महरमा। तुम्हारे खावन को तुम्हारी वालिदा के सिवा कोई पसंद नहीं करता, यहां तक कि तुम भी नहीं। महरमा, फातिमा सुल्तान को तुम क्या कुछ बता चुकी हो? क्या बता सकती हूँ वालिदा, ये कोई राज नहीं। हर कोई जानता है कि मेरी शादी किस तरह हुई थी। नूरबानो खातून, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? जानसदा खातून ने भेजा है मुझे, शहजादे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये पहले बता देना तुम। तबीबा हर रोज आकर मेरा मुआयना कर रही है। मुआयना? मुआयना। काश कि मैं हर लम्हा आपके पास रहती। क्यों, क्या खुश नहीं हो तुम हरम में? छोटे से कमरे में सारा दिन आपकी खबर का इंतजार करती रहती हूँ। दिलशा खातून भी मुझे पसंद नहीं करती। उसूल ऐसे ही है नूरबानो, हरम में ही रहना होगा तुम्हें।
अगर यहाँ पर रहने पर पाबंदी है तो फिर मुझे एक अलग कमरा बनवा दे। कमरा चाहिए तुम्हें? उसमें मेरा हम्माम भी होगा, हम्माम में मर्जी से गुसल करूंगी, साथ हमारे बच्चे का भी कमरा होगा, और आप जब भी चाहेंगे मेरे पास आ सकेंगे। आओ। मेरा कुत्ता। क्या हुआ नूरबानो, कैसा कुत्ता? शहजादे मुझे जा सकते। यहाँ से जाओ, हटो। क्या कर रही हो तुम दिलशा? दूर रहो इससे। इस कुत्ते को तुमने रखा था यहाँ? हाँ तो क्या कर लोगी? हटो लड़कियों, हटो, क्यों जमाओ यहाँ? आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? देखो ना इसे, ये इतालवी जादूगरनी इस निजस को अंदर ले आई, वो भी मेरे कमरे में मेरे कपड़े खराब कर दिए। हाँ जैसे तुम तो बड़ी पाक साफ हो। हाँ बस करो नूरबानो, ये यहाँ नहीं रह सकता, पाबंदी है और मकरूह भी है। मकरूह का क्या मतलब? तो तुम मकरूह का मतलब नहीं जानती? जहाँ भी कुत्ता होता है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, निजस मखलूक है ये। बेनेडिक्ट के महलों में इन्हें रखा जाता है, हमारे साथ रहते हैं। क्या आप तक समझ नहीं आई? बेनेडिक्ट में नहीं हो। दिलशा बात मत बढ़ाओ। नूरबानो तुम ये कुत्ता आग के हवाले कर दो, इसे बाहर फेंक देगा। नूरबानो कहाँ जा रही हो तुम? हाय अल्लाह मुझे सब्र दे। शहजादे खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरे कुत्ते को बाहर फेंका जा रहा है। मासरत शहजादे, मैं फौरन ये मसला हल करती हूँ। शहजादे मैंने इसे बागीचे में देखा और मैं इसे अंदर ले आई, और अब ये कह रहे हैं कि मकरा है। मकरूह है, मकरूह। हाँ जो भी है शहजादे, खुदा के लिए इजाजत दे दे इसे अपने पास रखने की। कितना मासूम सा है ये, बाहर मर जाएगा। मैं इसे अपने पास रखूंगी। ठीक है, अगर वाकई इतना चाहती हो तो हरम में कोई और मुनासिब जगह देख के इसे वहाँ रख लो। शहजादे ये कैसे हो सकता है, और उसूलों कवायद? आपका जो हुक्म। मुझे रियासत आए हुए कई महीने गुजर गए, मेरे अंदर से एक आवाज आती है जिसे खामोश नहीं कर सका। वो तुम्हारी आवाज है जिसे दोबारा सुनना चाहता हूँ। बाजार की वो यादगार जगह, न जाने क्यों मुझे बार बार याद आती है। आ जाओ शहजादे। लाला अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? आका को भेजा जाने वाला मकतूब अब तक मिल जाना चाहिए था। कोई मालूमात नहीं है, मुंतजर हूं। आका तक पहुंचने से पहले किसी ने रोक तो नहीं लिया वो मकतूब? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। हुरम सुल्तान को अगर ये सूरत हाल मालूम हो गई है तो उन्होंने उसे रोक लिया होगा। पाशा महमूद आगा, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने अच्छा काम किया, मुझे खबरें मिलती नहीं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की पाशा। आला महरमा सुल्तान महल में है क्या? अपने कमरे में है और आपकी मुंतजर है। महरमा रुस्तम। मलिका माजरत, आपकी मौजूदगी का इल्म नहीं था। हम काफी देर से तुम्हारी राह देख रहे थे। मैं भी हर वक्त आप सबको याद करता था। मैं महल वापस जा रही हूँ। रुस्तम क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले आका से मिलने की जरूरत थी? बिल्कुल थी, शहजादी और अपनी दोस्त से मिलकर फौरन उनके पास जाऊंगा। मलिका आला,
मैं बाहर इंतजार कर रही हूं। हमाशा और मैं आपके जाने की वजह से उदास हो गए थे बहुत। उसकी रवानगी की तैयारियां मुकम्मल है ना? जी मुकम्मल है। खातून की मां बनने में कितना वक्त रह गया है? तबीबा ने 2 महीने का बताया है। मलिका, अगर शहजादा पैदा हुआ तो हम क्या करेंगे? आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सरहदी रियासतों का मुआयना करता आया हूँ। सूरत हाल के बारे में तफसीली सफरनामा लिखवा रहा हूँ, चंद रोज में पेश कर दूंगा। आला, शाकलेन और फर्डिनेंड के मुतालिक क्या खबरें लेकर आए हो? चैन से बैठे हैं क्या? और यह भी बताओ, क्या उन्होंने अपनी मुमलिकत से बाहर कदम निकालने की जसारत की? हमारे जासूस मुख्तलिफ खबरें लाते रहे हैं, लेकिन सुलह के नफाज के लिए इंशाल्लाह कोई संगीन मसला नहीं होगा। लेकिन फ्रांस के बादशाह के मुतालिक नाखुशगवार खबरें समाज तक पहुंची हैं। क्या हुआ है फ्रांस के बादशाह को? फ्रांस के शाह फ्रांसुआ की अदालत के मुतालिक मालूम हुआ है, सूरत हाल संगीन हो सकती है। फौरन एक चाउश को भेजकर मालूम करो कि सूरत हाल क्या है। आपका जो हुक्म। तुम्हारी गैर मौजूदगी में रूनुमा होने वाले हादसे का सुना तुमने? मुझे अफसोस हुआ आपा, लेकिन खैर अमन कायम हो चुका है। मैं आपके इंसाफ का एक बार फिर गर्विदा हो गया हूं मेरे आका। लेकिन मेरा तजस्सुस माफ फरमाइए, सबूक दोषी चाहने वाले खजर खैरुद्दीन पाशा की जगह अब तक किसी को तैनात नहीं किया आपने? इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया। रुस्तम पाशा, आप सबसे बेहतर समझते हैं आका, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत तब्दीलियां होंगी। बहरा रूम में फिर से तूफान आ सकता है। हमें जल्द अज जल्द अमीरुल बहर के तौर पर वहां किसी को जरूर भेजना होगा। वालिदा। जहांगीर, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कुछ देर में आती हूं। शहजादे, कब वापस जा रहे हैं आप अपनी रियासत में? माहेदौरा सुल्तान परेशान हो रही होंगी। आका मेरा यहां मजीद कयाम चाहते हैं। मैं भी ये बेशकीमत वक्त बिरादर हमशीरा के साथ गुजार रहा हूं। हर सांस जो आप ले रहे हैं बेशकीमत है, ये सच है। अल्लाह मुहाफिज है, अली आखा की जगह आप भी हो सकते थे। लगता है कि आपका ख्वाब चकनाचूर हो गया। ये काम इतना आसान नहीं, इतना तो तजुर्बा मैं भी रखती हूँ। आइंदा जो होगा वो अहम है। शक एक भेड़िए की तरह होता है, एक बार हावी हो जाए तो इंसान के अंदर ही अंदर पलता रहता है, और जब फिर मसला वफादारी का हो तो। इब्राहिम पाशा की मौत तो याद ही होगी आपको। कुछ अर्सा पहले मेरी तरफ फेंका गया तीर एक मासूम खातून, और उसके शिकम में मेरी औलाद की मौत का सबब बना। क्या वो जो जमीन और आसमान में ना समाए, क्या वो वफादारी है आपकी? आप चाहे कुछ भी कर लें, कभी भी अपने अंजाम से फरार नहीं हो सकती। एक दिन आएगा आपकी तकदीर सिर्फ मेरी चुंबिश लब की मोहताज होगी। Thank you.
शहजादी आप इस जश्न तफरी से बहुत लुत्फानंदोज हो रही हैं। मुझे लगता है कि हंगामे में आप खुश रहती हैं। क्या करूं गुलफाम, तन्हाई में उदास बैठने से बेहतर है रक्स और मौसीकी से लुत्फानंदोज हुआ जाए। वैसे भी दुनिया आर्जी है। अफीफा खातून, तकसीम कर दी क्या शर्फी? तकसीम कर दी है शहजादी, कनीज़ ने बेहद खुश है। आला, फातिमा सुल्तान को अपनी रवानगी की परवाह तक नहीं, बहुत खुश लग रही हैं। निहायत जिंदा दिल शहजादी हैं, इनके लिए यूं ही तो नहीं कहा जाता। लेकिन इस कदर होंगी इसका अंदाजा नहीं था। लगता है इनके जहन में कुछ है, शायद पायतख्त में रहने के लिए कोई तरीका ढूंढ लिया होगा। रवानगी तो तय है, खामोशी से रुखसत हो जाए तो बेहतर है। दूसरी सूरत में इसका वकार खाक में मिला दूंगी। चंद रोज बाकी रह गए, देखें जरा खातून कितने नदीले पंख खा रही है। आपकी मेहरबानी से निहाल हो गया हूं, मुझे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है आका। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन। कब तक वापस जा रहे हैं आप अंताकिया? हुरम सुल्तान ने मरमर महल मुख्तस किया है, मजीद चंद रोज कयाम करके रवाना हो जाएंगे। आओ मेरे आका, शहजादे मुस्तफा और शहजादे जहांगीर तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, खुशामदीद मेरे पिसरान। कसम से मैं आपके मुतालिक ही सोच रही थी, अल्लाह से कुछ और मांग लेती तो वो भी मिल जाता। मिलने को बहुत दिल चाह रहा था खातून। आते हुए किसी ने देखा तो नहीं आपको? अरे नहीं नहीं, महल से यहां आने तक कई लोगों से सामना हुआ मेरा, मगर सबको धोखा दे आया मैं कसम से। भूख लगी है क्या? बहुत लजीज खाना बनाया है मैंने। तो फिर ले आओ फौरन। शायद किसी को मालूम हो गया, मोहल्ले वाले आ गए होंगे दरवाजे पर। आते वक्त किसी ने देख तो नहीं लिया आपको? किसी ने भी नहीं। अल्लाह मुझे बचाना। यहाँ पर आओ, नहीं बल्कि यहाँ पर आओ, यहाँ इधर छुप जाओ, जल्दी करो। दाऊद, क्या हुआ? मेरी बात सुनो, सुम्बलाग अंदर है। जाओ, से जाओ यहाँ से। बाद में आ जाऊंगा मैं। गलती से दरवाजा बजा दिया था। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो कहीं? दरअसल आपको बताना नहीं चाहती थी, आप जानना चाहते हैं तो। घर के मालिक का कर्ज बहुत बढ़ गया है, अभी वही आया था, उसने मोहलत दी है, अगर उसे अदायगी नहीं की तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। जोहर, उदास होने की क्या बात है? कोई हल निकाल लूंगा मैं इसका। आका, आपकी इजाजत हो तो कल आमसिया वापस जाना चाहता हूं। कल के दरबार में शरीक हो जाओ, उसके बाद चले जाना। कल सिपा के लिए नए सालार को मुकर्रर करूंगा, तुम मौजूद रहो मैं चाहता हूं। तुम तो जानते हो यानीचर तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। आका, मुझे अपनी सब ताकत आपके अजीम इरादों और आपकी मोहब्बत से मिल रही है।
इस आलम के तमाम लश्कर भी मेरे सामने सरबसजूद हो जाएं तो आपसे बढ़कर नहीं होंगे। तुम एक जुर्रतमंद, ज़हीन और तजुर्बेकार शहजादे हो। किसके साथ कैसे ताल्लुक रखना है इसमें एहतियात से काम लोगे। मसलन अमीरुल बहर पाशा से अगर उनकी बेटी को अपने पास मसाहिब की हैसियत से रखोगे तो लोग इस बात को गलत रंग देकर अमीरुल बहर पाशा से तुम्हारे इत्तेहाद के बारे में सोचेंगे। माजरत आका, दरअसल पाशा की आपके साथ वफादारी सबको मालूम है, इसलिए लोग ये भी सोच सकते हैं मैंने गौर नहीं किया। गौर करना होगा मुस्तफा, तुम शहजादे हो, तुम्हें चार सिमत गौर करना होगा। कुछ बताया सितारों ने? क्या सुन लिया तुमने? हाँ सुन लिया, वो कह रहे हैं कि आपके यहां शहजादा पैदा होगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे। हमारे सितारे बुलंदी पर ले जाएंगे हमें। ये सब सितारों ने बताया या तुम कह रही हो? क्या मैं आपका सितारा नहीं हूं? बिल्कुल हो, मैं बेहद मसरूर हूं नूरबानो, मुझे मजीद कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं ना रहा तो ये गुलो बुलबुल, ये ऐश और राहत नहीं होगी। तुम्हारे लबों की लाली, ये सागर और मीना के दौर नहीं होंगे। ये सहर, ये शामें, ये मोहब्बत और ये गम नहीं होगा। मेरे होने से मौजूद है ये दुनिया, मैं नहीं तो ये भी नहीं। आप शायरी भी करते हैं? बिल्कुल नहीं, काफी अरसे से मैंने कलम को हाथ भी नहीं लगाया। मुनासिब नहीं थी, शायरी सुनकर लगता है शायर मुझ खातून को नहीं जानता। मेरी तरफ देखें, आपके पास हूं मैं। अंदर चलते हैं। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अगर मैं अमस्या नहीं जाती तो उन जालिमों के हाथ ना लगती और ना ही आप यहां आने पर मजबूर होते। कभी जो कुछ पेश आया ऐसा कुछ नहीं होता। मैं किसी बात पर पशिमान नहीं, बाज़ औकात जिंदगी बदल देती है इंसान को, बाज़ औकात उसके हालात, और बाज़ औकात दोनों। मैं बरसों से एक जिंदान में कैद था मेहरुन्निसा, और अब उस जिंदान से आजाद हो गया हूं। मैं अक्सर बदल चुका हूं। आपको बहुत से इल्जाम का सामना करना पड़ा, मेरा आपके साथ चलना आपके लिए ठीक नहीं। हजारों लोग आपके लिए जान देना चाहते हैं, मेरी मोहब्बत की उनके सामने क्या हैसियत। ऐसा मत सोचो, तुम मेरे साथ आओ, कोई रास्ता होगा हमारे लिए, जरूर होगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं नहीं आ सकती,
हम दोनों जहाँ हैं बेहतर हैं। जिस रास्ते पर हम दोनों चल सके वो ये नहीं। शहजादी, आज तो आप बहुत हसीन लग रही हैं। मैं कितना खुशनसीब हूँ। मेरी नाराजगी के बावजूद तुम मुझे लेने आ गए, इसका सिला मिलना चाहिए तुम्हें। मैं इस कदर चाहता हूँ आपको कि आपकी नाराजगी को भी हरगिज खातिर में ना लाया। कसम से झूठ नहीं बोलूंगी, अगर मेरे बस में होता तो तुमसे कभी ना मिलती। अब जब हम दोबारा मिल ही रहे हैं तो इस वक्त का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल। जरा शिकम सेर हो जाओ, दस्तरखान सजाया है तुम्हारे लिए। मुरब्बे के साथ 40 अकसाम के खुश्क मेवे मंगवाए हैं, पहले ये सब बारी बारी चख तो लो। के साथ मेरी जल्द और जान के लिए एक नई धुन। शब पर रुपकाएं आती रही जानविता, सुबह तक सो ना सके। ऐसी हालत में ऐसा होता है। बैठ जाओ, अब से तुम खाने पीने में एहतियात करोगी। आज के बाद तुम्हारा शहजादे के पास जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। हरगिज नहीं, शहजादे को छोड़ूंगी तो दूसरी कनीज़ उनके पास पहुंच जाएंगी, मुझे कबूल नहीं। मेरा काम तुम्हें समझाना था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। सुबह हो गई है, सो रहे हो तुम? अब तक मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी आओ आगा, पाशा सांस नहीं ले रहे, पाशा सांस नहीं ले रहे, जल्दी आओ। क्यों सांस नहीं ले रहे? अल्लाह मग़फ़रत फरमाए शहज़ादी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरा।
वो वैसे भी मकरू जानवर था नूरबानो। हम तुम्हारे लिए एक बिल्ली मंगवा लेते हैं। हाँ जहर दिया इसे, वरना ये कैसे मरता। जुल्म किया गया है इस पर। मुझे अफसोस हुआ, कसम से हम बहुत रंजीदा हैं। बावर्ची खाने में हम खबर भिजवा देते हैं इसके शोक में हलवा बनाया जाए। इसे तुमने ही मारा है ना, जान ली है इसकी तुमने। पहले दिन से ही तुम इसे नहीं चाहती थी। तुम्हें मैं अपने हाथों से मार दूंगी मैं तुम्हें। एक बात तो जान लो, आज इसे कल तुम्हें। अब समझ कर चलना। नूरबानो क्या हुआ संबल, घबराए हुए क्यों? मलिका, कोई खौफनाक मंजर देख लिया है क्या? कुछ ऐसा ही हुआ है। मरमर महल से आ रहा हूँ मैं। फातिमा सुल्तान के शौहर का वक्त पूरा हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं। ये कैसे हो गया? अच्छा समझ गई कि क्या हुआ है उसके साथ। जहर दिया है उसे? नहीं, जहर तो नहीं दिया उन्हें, लेकिन तकदीर इलाही के सामने सब बेबस है मलिका। कसम से मलिका, कैसे कहूं मैं, गुस्ताखी की माजरत। खुशी के सबब उन्होंने इतना खाया कि मुस्तफा पाशा के जो हाथ लगा सब खा लिया। मुरब्बे, मेवे, फल, मिठाई दोनों हाथों से। उनकी उम्र ज्यादा थी। उनकी हालत तो अब जानती है मलिका। फातिमा सुल्तान से घबराओ तुम संभल। मेरी अकल में तो ये बात कभी ना आती। खिला खिला कर उसकी जान ले ली। अब बेवा हो जाने के बाद वो इस महल से कभी नहीं जाएंगी। वैसे उसका मकसद भी यही है। चलो जान छूटी, उसका वक्त पूरा हो गया था। जो होना था वो हो गया नूरबानो, अब इतनी उदास ना हो। महल में सिर्फ एक ही दोस्त था मेरा। कोई क्यों मारेगा उसे? पसंद ही नहीं करते थे उसको, नफरत करते थे उससे। दिलशाह ने मारा है, कल मुझे भी जहर दे देगी। तुम छोड़ो दिलशाह खातून को, तुम्हारी खुशी की खातिर क्या कर सकता हूँ ये बताओ। मुझे अलग कमरा चाहिए सलीम, ऐसा कमरा जो सिर्फ मेरा होगा, जहां मैं रहूंगी। दिलशा नहीं रहेगी मेरे साथ, बल्कि दिलशा को यहां से भेजते, मुझे नहीं पसंद वो। तुम्हारे लिए अलग कमरा तैयार करवाने का हुक्म दे देता हूं, उसे जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे सजा लेना। दिलशा, दीगर तमाम कनीजों की तरह वो इस हरम में ही रहेगी। तुम उसकी फिक्र छोड़ो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए शहजादी, खुद को इस कदर हल्का न कीजिए। शुक्रिया आफीफा खातून। बा अदब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। फातिमा, अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। लेकिन किस्मत नहीं चाहती थी कि मेरा घर बसे। फिनेरी ज़ादे से जान छुड़ाना हमारे लिए काफी सूदमंद साबित हुआ। कागजात के अंबार के दरमियान तुमने कैसे ढूंढ निकाला? मुझे दिक्कत पेश नहीं आई पाशा मोहतरम, तफसील से अगर कोई छानबीन करता तो यकीनन वो भी ढूंढ निकालता। आला आला, मलिका तुम्हारी बेहद मुतारिफ है,
मेरी कमी महसूस नहीं होने दी तुमने? उनकी नवाजिश है। बादब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मीर आलम फरत आगा, आज के बाद यनीचर लश्कर के नए आगा तुम होगे, खैरियत का वसीला होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मुझ पर आपकी अजीम इनायत है, मैं खुद को इस मनसब के लायक साबित करने की कोशिश करूंगा। इंसाफ की तलवार हर लम्हा तुम्हारे सर पर लहराती रहेगी फरत आगा, सब गुलामों की जगह मेरे कदमों में है, तुम ये नहीं भूलोगे। अली आगा का अंजाम तुम्हारे लिए और तमाम अराकीन सल्तनत के लिए इबरत होगा इंशाल्लाह। आपके ना जाने से मुझे बेहद खुशी हुई है, जेरे साया रहकर अब मैं रातों को सुकून से सो सकूंगी। मुझे भी खुशी है कि तुम शहजादे की मां बनने वाली हो। आज के बाद तुम यहीं रहोगी मेरे कमरे में, हुरम तुम्हारा क्या हशर करेगी मालूम नहीं। हूर जहां, आओ आओ मेरे पास बैठो। बहुत प्यारी लग रही हो। ये खूबसूरती सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि शहजादे को भी दिखाना। शहजादे, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं, मेरे मकतूब का जवाब भी नहीं दिया, लेकिन फिलहाल आप ये ना सोचिए। जिंदगी रवा दवा है हुरजहां, अब तुम्हारे कुछ ना कुछ करने का वक्त आ गया है। आंखों से दूर होने वाला दिल से भी दूर हो जाता है। आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? जहांगीर से बात करो, शायद वो तुम्हारा साथ दे और बयाजत के पास जाना चाहे। दरअसल वो वहां जाने के लिए बेचैन है। आओ। शहजादे, ये नीचे आगाओं में से एक आगा आया है, नायब याकूब आगा, आपसे मिलना चाहता है। आने दो। शहजादे मोहतरम, क्या परेशानी याकूब आगा, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लश्कर में बेचैनी है शहजादे, अली आगा के कत्ल और फरत आगा की तैनाती से हम सब बेचैन हैं। आपके और लश्कर के साथ होने वाली हक तलफी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा सब्र जवाब दे चुका। हकदार को तख्त पर बिछाने के लिए यनीचर लश्कर बिल्कुल तैयार है, आपका एक इशारा काफी है। क्या तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम होते कौन हो आखिर जो सुल्तान सुलेमान खान के बेटे को बगावत पर उकसाने की हिम्मत कर सको? आका से बगावत करूंगा ये कैसे सोच सकते हो तुम? माजरा शहजादे, मैं बगावत से, गद्दारी से तख्त पर बैठने के बजाय इज्जत के साथ मरने को तरजीह दूंगा। मैं आइंदा मेरे सामने कोई भी ऐसी पेशकश लेकर आए तो रहम नहीं करूंगा मैं। ले जाओ उसको यहां से।